डाउट कम लोगे कि जैसा लोगे। क्या हुआ? सर वीके जायसवाल के डाउट सब लोगे। यार वीके जायसवाल के डाउट नेक्स्ट वीक हम लोग मेनली डाउट ही करेंगे, जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट 3-4 डेज उसमें भी लगेंगे। बीच में हम ऐसा करेंगे कुछ डाउट ले लेंगे और कुछ आगे पढ़ लेंगे थर्मो, ऐसा करेंगे। अच्छा आप ये बताओ, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का जो फर्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग बेसिक, वो आप लोगों ने कितनी कर ली वीके जायसवाल की? वन कर ली। अरे बहुत कम है वो तो यार, बहुत कम है। केमिकल बॉन्डिंग तो आपको बहुत पहले हो चुकी है, जो कोर केमिकल बॉन्डिंग है बहुत पहले हो चुकी है। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कोई फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता हो कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी है। बॉन्ड एंगल का तो एक भी नहीं हो रहा। किसका? बॉन्ड एंगल का ना? यस सर। हाँ तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आज करेंगे बॉन्ड एंगल, आज के बाद करना फिर अब बॉन्ड एंगल की प्रैक्टिस। हाँ वो कंप्लीट नहीं है, मैंने बॉन्ड एंगल टॉपिक नहीं करवाया, पर जितना हम लोग पहले डिस्कस कर सकते थे उतना किया है। आई थिंक अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। यस प्लीज। आपने ड्रैगन्स रूल कुछ करके हेडिंग लिखवाई थी। हाँ तो उसी से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ये बॉन्ड एंगल में काम आएगा ये ड्रैगोस रूल। ड्रैगोस रूल का बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है। ड्रैगोस रूल ये बताता है कि कब सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन नहीं जाएगा तो जिस तरह वीपीटी में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाए थे, पीएक्स पीवाई पीजेड तीनों म्यूचुअली 90 डिग्री पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो बॉन्ड एंगल अगर पीएक्स पीवाई पीजेड डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनाते हैं तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री या उसके आसपास होना चाहिए। अगर sp3 हाइब्रिडाइज हम मानेंगे तो 109 के पास पहुंच जाना चाहिए आसपास, डिपेंड करता है सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है या अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से शेप आपकी चेंज होती रहती है कि जैसा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में मल्टीपल बॉन्ड कैसे बॉन्ड है। अब सेंट्रल एटम जो है बच्चों, ड्रैगोस रूल की कंडीशन है, क्या बोलता है ड्रैगोस रूल, सेंट्रल एटम क्या तो थर्ड पीरियड का होना चाहिए या फिर उसके हायर पीरियड का होना चाहिए, ठीक है। और जो साइड एटम है या पेरिफेरल एटम है, नेबरिंग एटम है, जो भी बोलो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम होनी चाहिए। तो सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी आपकी, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे, ये दो ये कंडीशन और सेंट्रल एटम के पास एक या एक ज्यादा लोन पेयर भी होना चाहिए, वन और वन मोर देन वन लोन पेयर, और ग्राउंड स्टेट में भी रहना चाहिए। ये सेंट्रल एटम के लिए कंडीशन है, पेरिफेरल एटम के लिए कंडीशन। लिखो जरा, राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल, सब कुछ मैं बता चुका हूं, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल इसकी एप्लीकेशन बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल
अकॉर्डिंग टू ड्रेगोज रूल इन ए केमिकल सिस्टम नीचे लिखो फर्स्ट सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड एंड हायर पीरियड सेकेंड हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर. ये सेंट्रल एटम के बारे में तीन पॉइंट लिखवा रहा हूं. हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर, एटलीस्ट मतलब वन से ज्यादा भी हो सकता है. थर्ड इट इज इन ग्राउंड स्टेट, इंटरनल एक्साइटेशन नहीं कंसिडर करना, इट इज इन ग्राउंड स्टेट. सेंट्रल एटम की तीन कंडीशन होंगे. फोर्थ लिखो पेरिफेरल एटम के लिए, नेबरिंग एटम के लिए. फोर्थ लिखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट किसके लिए थे, सेंट्रल एटम के लिए थे एज रिटन देयर ऑन व्हाइट बोर्ड. फोर्थ पॉइंट नेबरिंग एटम के लिए है. देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेबरिंग एटम शुड बी इक्वल टू और लेस देन 2.5. दिस इज सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन नहीं हो सकता. अब ये क्या बोलता है, ये सारी कंडीशन फुलफिल हो गई तो, चार कंडीशन मैंने लिखवाई है. देन नीचे लिखो इन लाइन लो, देन सेंट्रल एटम डज नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन. And uses its pure atomic orbitals for bond formation. उन्हीं की overlapping होगी bond बनाने के लिए. Its pure atomic orbitals for bond formation. Repeat करना. Then central atom does not show hybridization and it uses its pure atomic orbitals for bond formation. ठीक है. जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.1 है, तो वो पेरिफेरल एटम हो सकता है. और ड्रेगोज रूल में पेरिफेरल एटम आपको हाइड्रोजन ही मिलने वाला है. मैं आपको बताता हूं बस, यूज यहीं पे होगा और कहीं काम नहीं आने वाला आपको. NH3, PS3, ASS3, SBS3, NBIS3, H2O, S2S, S2SC, S2TE, S2PO. पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव होता है तो लिखूंगा नहीं. इसका बॉन्ड एंगल आप लोग जानते हैं 105 डिग्री होता है, 104.5 एग्जैक्टली. इसका 107 डिग्री पहले लिख चुके हैं हम लोग. इनका तो हम जानते हैं, बाकी सब के लिए आप बॉन्ड एंगल देखोगे जो थर्ड और हायर पीरियड के हैं. नाइट्रोजन सेकंड पीरियड हो गए, थर्ड, फोर्थ एंड हायर पीरियड. थर्ड एंड हायर पीरियड से तो ये बिलोंग करते हैं. इन सब का जो बॉन्ड एंगल है फॉर ऑल ऑफ दिस 90 डिग्री के आसपास है, 90 डिग्री के आसपास. और मैं आपको बता दूं इसका थीटा 1 वो तो पता ही है 107, इसका थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5. बॉन्ड एंगल में हम लोग पढ़ेंगे थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 4 ग्रेटर देन थीटा 5. यहां पर भी थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3,
थीटा थ्री एंड थीटा फोर, यहां पर भी ये रिलेशन ट्रू है, ठीक है। लेकिन ये सब एंगल है ये किसके आसपास है, 90 डिग्री के आसपास है। क्योंकि ये थर्ड और हाई पीरियड एलिमेंट 90 डिग्री के आसपास कैसे होंगे, फोर्स फोर्स है सब पे, एक एक लोन पेयर है सबको पता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सल्फर पे ऑक्सीजन की तरह दो लोन पेयर है, सेम वे सभी पे ही है। वैसे हाइब्रिडाइजेशन बोले तो एनएस थ्री में एसपी थ्री है तो पीएस थ्री में भी एसपी थ्री होनी चाहिए, पर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं जा रहा। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो एंगल 109 के आसपास होगा, जैसे वो 107 है। एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर वाला केस हम लोग डेफिनेटली इसके लिए कंसिडर करेंगे अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो। लेकिन ड्रैगोस रूल बोलता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, सेंट्रल एटम थर्ड और हाइयर पीरियड से बिलोंग करते हैं, सब ग्राउंड स्टेट में है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इन सब के पास एक लोन पेयर होता है NS2 वाला, और NP3 वाले तीन सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास एक लोन पेयर होता है और दो लोन पेयर होते हैं क्योंकि NP4 में भी एक लोन पेयर है आपका, और NS2 का तो है ही है। तो ग्राउंड स्टेट में दो लोन पेयर होंगे, सभी जगह मैंने दो लोन पेयर दिखाए हैं, पर थर्ड और हाइयर पीरियड से है तो सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन नहीं जाएगा। तो क्या होगा, एक प्योर पी ऑर्बिटल है वो लोन पेयर रख रहा है, दूसरे प्योर पी ऑर्बिटल 90 डिग्री पे होंगे, जैसे पीएक्स पीवाई हुआ, तो एक पीएक्स और दूसरा पीवाई, या हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा हाइड्रो का 1s, तो ये हो गया सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड एंगल है क्या होगा 90 डिग्री के नियर अबाउट हम बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। तो जब इनके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जाते हैं तो बॉन्ड एंगल नियरली इक्वल टू 90 है, ये तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की नहीं हो रही, अदरवाइज सभी का एंगल नियरली इक्वल टू 90 डिग्री है, सभी का एंगल नियरली इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। मैं अगर SiH4 की बात करूं और SiH2 की बात करूं, बताओ यहां पे ड्रैगोज रूल लगा सकते हैं क्या, सिलिकॉन का तो हो गया 3S2 3P2, कार्बन फैमिली का यही होता है, तो ग्राउंड स्टेट नहीं लगा सकते एक्साइटेशन, ग्राउंड स्टेट में तो ये सीन होगा, चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, तो ये चार को सिंगल होना पड़ेगा, यानी कि ये तो ग्राउंड स्टेट में काम नहीं चलने वाला। इट इज नॉट इन ग्राउंड स्टेट, इट इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सिलिकॉन, देन ओनली इट कैन फॉर्म दिस कंपाउंड। तो यहाँ तो ड्रैगोस रूल वैसे नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है क्या, यस दो ही बनाने हैं तो दो तो ये बना लेंगे, इसलिए इसका एंगल 90 के नियर अबाउट मिलता है, क्योंकि थर्ड एंड हायर पीरियड से है और पेरिफेरल एटम 2.1 यानी कि 2.5 से कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब आपका एक थोड़ी सी चीज सोचना सब लोग, फूड फॉर थॉट, DXY DYZ एंड DXZ, ये तीनों तो पाई बॉन्ड फ्रीक्वेंटली बना लेते हैं, लेकिन DX²-Y² एंड DZ² जनरली साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, पाई बॉन्ड नहीं बनाते। आपको 3D में साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है नहीं हो रही है उसी इमेजिनेशन से पता चलेगा, पीएक्स ले लेना, पीवाई ले लेना, पीजेड ले लेना, पी के साथ ओवरलैप करके देखना, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ऐसे लिखने से काम नहीं चलता है, नहीं बनाता। DZ² बहुत मुश्किल से इमरजेंसी के टाइम पे बना लेगा,
जैसे मैं एक छोटा सा डी एक्स वाई का इमेजिनेशन करवाता हूं, डी एक्स वाई में एटॉमिक ऑर्बिटल किधर होंगे, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होंगे, बिल्कुल सिमेट्रिकली चार लोब बना लेना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मैंने डी एक्स वाई बना दिया, ठीक है भाई साहब। अब जेड एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर टू, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक पेन रख लो, वो जेड एक्सिस के अलोंग है, बिल्कुल एकदम टकू टक परपेंडिकुलर टू दिस व्हाइट बोर्ड, यू कैन अंडरस्टैंड इट। मान लीजिए पी एक्स ऑर्बिटल है, पी एक्स ऑर्बिटल है, तो क्या तो पी एक्स ऑर्बिटल अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो दूसरे एटम का पी एक्स ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा ऐसे, तो उसकी ओवरलैपिंग करवाओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो उसकी ओवरलैपिंग आगे से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर ये है तो इधर से आएगा पी एक्स, ऐसे ऐसे करवाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि जीरो ओवरलैपिंग हो गई, अरे कहां साइडवेज हुई। पी वाई ऑर्बिटल कैसे होगा, इसके बिल्कुल पैरेलल होगा, उसकी ओवरलैपिंग करवाओगे पी वाई की तो पी वाई अगर दूसरे का आएगा तो इस तरह रहेगा, और इस तरह बोलते ही फिर आप बोल दोगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है, वो जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है, इस तरह आएगा वो चलते। पी जेड की मैं बात कर रहा हूं तो पी जेड की सिचुएशन क्या हो जाएगी, पी जेड बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा तो उसका एक लोब रहेगा इधर और वो लोब इन चारों को ओवरलैप कर जाएगा, बाकी लोब तो आपकी मुंडी की तरफ निकला हुआ है, यहां से थोड़ा आगे चलोगे आपकी मुंडी की तरफ तो न्यूक्लियस होगा, और पी जेड कैसे होगा, बिल्कुल इसी तरह होगा, एक लोब चारों को टच करेगा पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ, तो जीरो ओवरलैपिंग होगी, कोई मतलब नहीं है, आप इमेजिन कर करके देखो आपको समझ में आएगा कि डी एक्स वाई वाई जेड। और अब इसमें एक मैं इस तरह की बात करूं, साइडवेज ओवरलैपिंग मुझे करवानी है ये, तो मैं अलग अलग और भी जितने भी आप पॉसिबिलिटी देखो, मान लो पी वाई है आपका और पी वाई की ओवरलैपिंग इस तरह हुई तो बिल्कुल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इधर से आया तो ये पाई बोन तो बना सकता है, लेकिन डी एक्स स्क्वायर में इस वाई स्क्वायर को देखना हो तो पाई बोन की पॉसिबिलिटी इधर तो जनरेट हो गई, सभी डायरेक्शन से जनरेट नहीं होगी पर पाई बोन बना सकता है, नहीं बना सकता ये नहीं, लेकिन डी एक्स स्क्वायर में इस वाई स्क्वायर में आप करके देखना, पाई बोन आप इमेजिन ओवरलैप करके देखना अलग अलग डायरेक्शन में लाकर, जैसे जीरो पार्डन जीरो ओवरलैपिंग आ जाएगी सर अगर, हाँ जीरो ओवरलैपिंग आ जाएगी और पाई बोन नहीं बना पाएगा। डी जेड स्क्वायर बहुत ही इमरजेंसी में बना सकता है, कैसे मैं समझाता हूँ, आप लोग जानते हैं ये एक्स, ये जेड एक्सिस मान लेता हूँ जेड एक्सिस, तो डी जेड स्क्वायर का ऑर्बिटल कैसे रहेगा, डोनेट शेप होती है ऐसे, एक रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पे पॉजिटिव होता है वेव फंक्शन का साइन और रिंग में एक्स वाई प्लेन में लेटी हुई है रिंग, इसमें नेगेटिव होता है वेव फंक्शन का साइन, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा कोई पी ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल है ना, तो पी जेड ऑर्बिटल होगा इस तरह, मैं दिखा देता हूँ पी जेड ऑर्बिटल को, पी जेड ऑर्बिटल अगर कोई इस तरह ओवरलैपिंग करता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है इसकी ओवरलैपिंग ऐसे हो गई और इस पॉजिटिव की ओवरलैपिंग ऐसे हो गई, तो ये पाई बॉन्ड बन सकता है बट वेरी लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ढंग की नहीं है, वेरी लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग, तो जो स्क्वायर वाले हैं तो ये जो हाईली अनस्टेबल बोर्ड बनाए गए,
अगर जी जेड स्क्वायर ने पाई बॉन्ड बनाए तो हाईली अनस्टेबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, आप सब लोग नोट कर चुके होंगे, इमरजेंसी में डी जेड स्क्वायर आपका पाई बॉन्ड बना लेगा, डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को बना लेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाया, बाकी को भी आप देख सकते हो। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा और डी जेड स्क्वायर इमरजेंसी में बना पाएगा। इस तरह मैं एक एग्जांपल लेता हूं, XeO2 XeO3 पहले भी ले चुका हूं मैं, XeO4 ही एग्जांपल, सभी में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताएं सेंट्रल एटम की, 8 प्लस मोनोवेलेंट प्लस 4 डिवाइड बाय 2 4, सभी का यही है स्टेरिक नंबर का कैलकुलेशन सेम, तो सभी में सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब दो ऑक्सीजन है तो दो बॉन्ड पेयर, तो टोटल चार होने चाहिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो दो लोन पेयर, तो यहाँ पे ए बी टू एल टू, वो बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जैसे जब न्यूट्रल ऑक्सीजन हो तो इस तरह जुड़ी रहती है सेंट्रल एटम के साथ, आप लोग जानते हो इसकी बॉन्डिंग। तीन ऑक्सीजन है तो तीन तो सिग्मा बॉन्ड होंगे होंगे, तो एक लोन पेयर होगा, चार ऑक्सीजन है तो चार तो सिग्मा बॉन्ड होंगे होंगे, ये वाले केसेस होंगे एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। बना लीजिए एक्सी दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर में, बताओ किस तरह की शेप होती है, वी शेप, हर बच्चे को रटी हुई है वी सीपीआर थ्योरी, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर में क्या शेप होती है सबको पता है, लोन पेयर ट्रायगोनल पिरामिडल होती है, एवरीबडी नो इट, सबको रट गया होगा अभी तक, तो रट जाना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। इसमें तो चारों बॉन्ड पेयर है तो रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा। यस सर, यहाँ एंगल 109 डिग्री, यहाँ पे लेस देन 109 डिग्री, अगर एंगल कंपेयर करवाएं, हर किसी का एंगल याद नहीं करना आपको, पर कंपेयर करवा सकते हैं आपको, जहां पे कंपेयर किया जा सकता है। यहां पर कितने पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, तो बताओ sp3 में p तो तीनों खर्च हो गए इसके, D ही होगा, तो डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में से कोई तीन यहाँ पे बॉन्ड बना रहे होंगे, डी एक्स वाई वाला भी, डी वाई जेड वाला भी और डी एक्स जेड, क्योंकि तीन तीन पाई बॉन्ड बनाने हैं, ये पाई बॉन्ड में यूज होंगे, यहाँ इनमें से कोई दो यूज हो गए होंगे क्योंकि दो ही पाई बॉन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तो, लेकिन यहाँ पे पंगा है, चार पाई बॉन्ड है इसमें और सारे डी पाई पी पाई हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ऑक्सीजन का पी पाई होगा, यहाँ पे भी sp3 में पी तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गए, सारे डी पाई पी पाई हैं, पर कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होगा मैं वो डिस्कशन कर रहा था, तीन डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे यहाँ पे, दो डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे यहाँ पे, चारों के चारों, क्योंकि sp3 हो चुका तो पी तो बचे ही नहीं, पाई बॉन्ड तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। यहां पर अगर हम बात करें एक्चुअल में पी ब्लॉक वगैरह इन सब के क्वेश्चन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर देते हैं, इसलिए बॉन्डिंग की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप लोग जो बॉन्डिंग पढ़ रहे हो वो बहुत लाजवाब है, इसका 50% भी दुनिया के किसी फैकल्टी आपको पढ़ाता हुआ नहीं मिलेगा, बट बॉन्डिंग ऐसी ही पढ़नी चाहिए। 12th पास स्टूडेंट है वो एग्जैक्टली बोल सकते हैं, जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हैं, 11th वाले बच्चे को नहीं पता। तो बच्चों बहुत काम, हाँ देखो, तो देखो डी पाई पी पाई ये सब है आपके
तो ये चार डी पाइप ऐसे, तीन तो ये बना लेंगे, लेकिन चौथा कौन सा बनाएगा यहां पर? तीन तो ये बना लेंगे, एक दो तीन दोबारा लिख नहीं रहा, और चौथा बनाएगा तो कौन सा बनाएगा? डी जेड स्क्वायर। क्योंकि ये डी जेड स्क्वायर बहुत ही वीक पाई बॉन्ड बनाता है, हाईली अनस्टेबल बॉन्ड, इसलिए ये क्या होता है, XCO4 इज वेरी रिएक्टिव एक्सप्लोजिव इन नेचर। ये पहले बता चुका हूं मैं, एक्सप्लोजिव इन नेचर बिकॉज ऑफ अनस्टेबल बॉन्ड, ठीक है, अनस्टेबल बॉन्ड। अब दोस्तों वो वक्त आ गया, मैं अभी भी बेंट रूल का इन्वॉल्वमेंट नहीं करूंगा क्योंकि बेंट रूल मैंने नहीं पढ़ाया है, पर वो वक्त आ गया जब हम बॉन्ड पैरामीटर के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। बॉन्ड पैरामीटर में हम लोग बात करेंगे बॉन्ड एंगल का, बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड एनर्जी का, उसके क्वेश्चंस। तो बॉन्ड पैरामीटर्स, सर ये खत्म हो गया ड्रैगर रूल? हाँ हाँ हाँ, पूरी तरह खत्म हो चुका। बहुत छोटा सा है, एक बेंट रूल भी है वो हमने नहीं पढ़ा है, पर उसको हम टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे बाद में, पर पहले मैंने पहले बता दिया है दिस इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में तीन के क्वेश्चन आपको आएंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल। सबसे पहले हम ये करेंगे क्योंकि सब ज्यादा क्वेश्चन इसी के पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जब कंपेयर करोगे, मैं सारी चीजों के एग्जांपल लूंगा सब केसेस के, और क्वेश्चन उसी के ही आते हैं, बाय चांस बेंट रूल का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, पर बेंट रूल को मैं, बेंट रूल की जो चीजें हैं कुछ तो उसी तरह पेश करूंगा, बेंट रूल के भी क्वेश्चन करवा दूंगा जिस तरह आप सोच सकते हो, ठीक है। बॉन्ड एंगल, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, उसमें से सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो देखनी है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। परसेंटेज एज करेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है, परसेंटेज एज करेक्टर इधर से इधर बढ़ रहा है, यहां परसेंटेज स्क्वायर 50% या 33.33% या 25%, परसेंटेज स्क्वायर जितना जितना बढ़ता है, यहां एंगल कितना है बताओ, परसेंटेज स्क्वायर 50% 33% ये हम कर चुके हैं पहले ही, और 25% फ्रैक्शन ऑफ एस क्या होगा, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ पी, इनमें तो यही रहेगा डी होगा तो नंबर ऑफ डी भी करेंगे हम लोग, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ पी करेक्टर, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे तो एस और पी है, sp3 d1 d2 d3 स्टार्ट होगा तो db इन्वॉल्व हो जाएगा डिनोमिनेटर में, उसमें फ्रैक्शन ऑफ db का। अब मुझे बताओ परसेंटेज स्ट्रक्चर इधर इधर बढ़ रहा है, यहाँ पर आइडियल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 120 डिग्री लिखा है, और यहाँ पे 109.5 लिख देता हूँ क्योंकि 28 मिनट की बजाय 30 मिनट अगर हम मान ले तो हाफ डिग्री हो जाता है, बॉन्ड एंगल भी इधर से इधर बढ़ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे चेंज होती है, अब ये जितना ज्यादा ऑर्गेनिक में हम इसी को यूज करेंगे, जस्ट अपोज अभी बोल रहा हूं मैं, इतना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल, ऑर्गेनिक में हम इसी को यूज करेंगे बट बहुत बार रिवर्स डायरेक्शन में, जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, और अभी मैं बोल रहा हूँ हायर द परसेंटेज एस करेक्टर हायर द बॉन्ड एंगल, और मैं कंप्लीट बोलू दोनों तरह का सोचना पड़ेगा दोनों तरीके से आपको, हायर द परसेंटेज एस करेक्टर हायर द बॉन्ड एंगल, हायर द बॉन्ड एंगल हायर द परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं ये नहीं बताना चाह रहा जो मैथमेटिक्स बोलता है,
मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जैसे जैसे परसेंटेज कलेक्टर इंक्रीज होगा सेम अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के केस में उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैथमेटिक्स में मतलब होता है वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स डबल तो वाई भी डबल, एक्स ट्रिपल तो वाई भी ट्रिपल। मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैथमेटिकल मीनिंग नहीं बोल रहा कि परसेंटेज कलेक्टर डबल हुआ तो बॉन्ड एंगल भी डबल हुआ, आई एम नॉट टेलिंग दैट। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे लिखने का मतलब वो है। और हरदम ही वही होता है जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिखते हैं एक्सेप्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि दोनों इंक्रीज होंगे एक दूसरे पर, नॉट मैथमेटिकली कि वो ट्रिपल तो वो भी ट्रिपल, ऐसा मत सोचना है ना। जैसा मैथमेटिक्स में होता है उसको लंबा सा लिखने की बजाय मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता, मैं आपको बोलता हूं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ, लिखो कंपेयर द बॉन्ड एंगल, लिखते चले जाओ कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ NO2 नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट जीरो, चार्ज माइनस वन तो प्लस वन कर दो डिवाइड बाय टू तो ये थ्री, तो यहाँ पे बोलोगे sp2, नाइट्राइट है और यहाँ पर हम बोलेंगे स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट चार्ज प्लस वन है तो माइनस वन कर देंगे डिवाइड बाय टू तो दो हो गया, तो हम बोलेंगे sp। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अलग अलग तो बॉन्ड एंगल भी अलग अलग, ऐसा सब लोग जानते हैं, तो ये हम पहले बना चुके हैं दोनों के दोनों, दोनों के दोनों के सेम स्ट्रक्चर हम पहले बना चुके हैं। ये NO2 पॉजिटिव हो गया, लीनियर शेप हो गया इसका, तो 180 डिग्री ये एंगल, लेकिन NO2 माइनस वन तो आप पहले से ही जानते हो, नाइट्रस एसिड कुछ ऐसा होता है, ठीक है ऐसा होता है, तो नाइट्रस एसिड का ऑक्सो एनायन नाइट्राइट। अब मैं बिंदिया नहीं लगा रहा एक्सेप्ट सेंट्रल एटम, यहां पे भी बिंदी लगाओगे तो तीन नॉन पेयर होंगे, पर मैं बिंदी नहीं लगा रहा, और ज्यादा बिंदी दिखाई दे रही है तो हटा दो। NO2 minus 1, this bond angle is around 115 degree. और NO2 का भी आप लोग देख चुके हो, odd electron species में हमने देखा था, odd electron species तो नहीं चुनी है, बहुत limited है, मैं बहुत extensively cover कर चुका हूं इन चीजों को, बताओ इसका bond angle किसी को ध्यान है तो, ये lone pair है, यहाँ पे भी sp2 है, ये बता चुका हूं मैं, यहाँ पे sp2 है, ये तो यही कैलकुलेट कर चुके हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन का स्टेरिक नंबर नहीं लगाते हैं पर हम देख चुके हैं इसमें, इसीलिए NO2 NO2 लोकलाइज भी था और डाइमराइजेशन भी जा रहा था N2O4, ये ब्राउन कलर से कलरलेस, ये ब्राउन कलर गैस आप लोग जानते हैं, लोन पेयर है ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा तो बॉन्ड एंगल छोटा, ये बॉन्ड पेयर से भी एक बॉन्ड पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन और कम होता है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है sp2 के हिसाब से या उससे कम होगा, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 135 डिग्री के नियर अबाउट है एज वी डिस्कस्ड। देखो पर ये तो मैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है तो मैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वाले फैक्टर में ये इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था इसके साथ, इसलिए मैंने क्वेश्चन में सिर्फ ये दो दिए ताकि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपकी डिफरेंट रहे और आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वाले इस फैक्टर को कंपेयर कर पाओ, दिस एग्जाम्पल इज फॉर दैट ओनली, ठीक है। सिया
ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। ठीक है, अब देखो पहली चीज ये है, अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम हो, मैं इसका थोड़ी कंपेयर कराऊंगा, CF4 BF3 सबको पता है ये 109 डिग्री है, 109.5 डिग्री, ये 120 डिग्री है, रेगुलर ट्राइगोनल रेगुलर टेट्राहेड्रल, मैं इसका थोड़ी ना कंपेयर करवाऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन तो बहुत बना लो आप, सबको पता है 180 डिग्री है, सबको पता है 120 डिग्री है, सबको पता है 109 डिग्री है, तो कंपेयर करवाने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही रूटीनली चीजें हैं, ये क्वेश्चन आते ही वैसे कर दोगे, ये हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन है, बॉन्ड एंगल में आप हाइब्रिडाइजेशन वाला फैक्टर देखोगे, तो फैक्टर अफेक्टिंग इज हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम देखोगे आप। अब हम दूसरा फैक्टर देखेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर, अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, वो VSEPR थ्योरी में आप देख चुके हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड वाले बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एंगल जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो बड़ा वाला बैलून ने ज्यादा जगह चाहिए तो बॉन्ड पेयर को दबा देगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाए, जैसा कि आप जानते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं इसके टू अंडरस्टैंड इट। देखो बच्चों, एक मीथेन है, दूसरा मिथाइल कार्बेनायन है, जहां पे भी कार्बन नेगेटिव हो आप दो बिंदी राम नाम की लोन पेयर जरूर लगा लें, तो ये तो रेगुलर टेट्राहेड्रल है, कोई फर्क ही नहीं है इसमें, तो सबको पता है एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। CH3 में एक लोन पेयर आ गया और तीन CH वाले बॉन्ड पेयर ही हैं, ये नेगेटिव वाला कार्बन है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया और दिस एंगल इज, ये ज्यादा रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर कम, ये ज्यादा मोटा है बैलून, तो ये थीटा क्या रहेगा, थीटा 2 पक्का 109 से श्रिंक हो जाएगा, जितना ज्यादा यहाँ पे लोन पेयर की संख्या बढ़ी तो ये बॉन्ड एंगल छोटा होता चला गया। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूं थीटा 1 एंड थीटा 2 इज स्मॉलर देन थीटा 1, ऑब्वियसली ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, VSEPR थ्योरी का एप्लीकेशन है। नंबर ऑफ लोन पेयर के और एग्जांपल लें हम लोग, This is example A बोल दो, 1, 2, 3, 4 हम यूज कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल SO3 एंड SO2, बताओ बॉन्ड एंगल, ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन वाला बॉन्ड एंगल कंपेयर करवाओ, तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 प्लस 0 प्लस 4 0 डिवाइड बाई 2 3, इसमें इसमें कैलकुलेशन सेम है तो दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है तो ऐसे हो जाएंगी, दो ऑक्सीजन है तो ऐसे हो जाएंगी, सल्फर के बाद 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 यूज हो चुके तो एक लोन पेयर रहेगा, ये थीटा 1 और ये है आपका थीटा 2, ये मोटा है तो दबा देगा इनको, तो बॉन्ड एंगल थीटा 2 इज स्मॉलर देन थीटा 1, जैसे जैसे आपके बढ़ते चले जाएंगे बॉन्ड एंगल उतने ही ज्यादा आपका रिपल्शन होकर बॉन्ड एंगल उसमें छोटा होता चला जाएगा। मैं नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन के बॉन्ड एंगल क्यों कंपेयर करवा रहा हूं, दोनों कैलकुलेट कर लो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 मोनोवैलेंट 4 -1 तो +1 डिवाइड बाय 2 3, तो sp3 है दोनों में, क्या है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो sp3 है इसमें कोई दोराई, sp2 है सॉरी sp2 आया तो sp2 बोलोगे, बट ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड के हैं,
तो आप बताओ नाइट्रस सर? नाइट्रस सर पिछला पेज निकाल, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में क्या फर्क है? कई बार आप इसका स्ट्रक्चर बना चुके हो, कई बार इसका स्ट्रक्चर बना चुके हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पॉजिटिव नेगेटिव करके भी लिख सकते हो, ये नाइट्रिक एसिड और ये नाइट्रस एसिड, लेकिन मुझे तो नाइट्रस एसिड का ऑक्सो एनायन और नाइट्रस एसिड का ऑक्सो एनायन बनाना है, तो एच पॉजिटिव एसिड का फायर कर दूंगा तो ऑक्सो एनायन बन जाता है, नाइट्रस एसिड का ऑक्सो एनायन नाइट्रेट कहलाता है और नाइट्रस एसिड का नाइट्राइट, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट, नाइट्रस एसिड का ऑक्सो एनायन नाइट्राइट, सब पता है। ऑक्सी एसिड एसिड से है तो उनके ऑक्सो एनायन आइट और एट से है। यहाँ पे क्या है, दो सिग्मा दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, यहाँ पे दो सिग्मा होंगे और तीसरा भी सिग्मा है तो तीन सिग्मा बॉन्ड पेयर, मतलब तीन सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पे लोन पेयर है तो श्रिंक कर जाएगा इसको, चाहे आप ऐसे करके लिख लो नाइट्रोजन, ये लोन पेयर है तो ये मोटू है तो इनको दबा देगा, इसको दबा देगा, तो दिस थीटा वन दिस इज थीटा टू, थीटा वन थीटा टू में कौन ज्यादा रहेगा, ये आप एंगल जानते भी हो 115 डिग्री के नियर अबाउट है और ये तो पूरा 120 डिग्री के पास है, क्यों, क्योंकि इसके तीन रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, बना लो एन डबल बॉन्ड ओ ओ ओ, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, बचे हुए के ऊपर सिंगल बॉन्ड और ओ नेगेटिव आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर है तो तीनों बॉन्ड एक्चुअल में बराबर हैं, तीनों बॉन्ड बराबर एनर्जी वाले हैं, आइडेंटिकल हैं, ऑल थ्री बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और बाकी सब जगह पर एवरेज देखोगे तो नेगेटिव, रेजोनेंस हाइब्रिड हमें बताता है कि बॉन्ड एंगल बिल्कुल सिमेट्रिक 120 डिग्री ही होना चाहिए, तो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना, एक एग्जांपल तो ऐसा घीटा घिसा पिटा है कि सब लोग देख देख के थक गए होंगे और वो एग्जांपल मैं डी बोल देता हूं, बताओ बच्चों, कार्बन का हाइड्राइड, नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन है उसका हाइड्राइड और नेक्स्ट ऑक्सीजन उसका हाइड्राइड, अब मैं HF तो डायटोमिक है, पहले वाला पेज निकाल दो, यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल का मतलब ही नहीं है तो इसको तो मैं नहीं रखूं, नोट कर लो बच्चों फास्ट, तो सबसे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन देखना है, उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन में सेम हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड स्टेट में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या अलग अलग हो सकती है, जितने ज्यादा बॉन्ड पेयर और मल्टीपल बॉन्ड है उतना ही बॉन्ड एंगल आपका श्रिंक करता जाएगा, कम होता चला जाएगा, जनरल ट्रेंड ऐसा है। एक्सेप्ट एक आधा एक्सेप्शन, वो मैं अलग से बताऊ, डन बच्चो, यस और नो? यस सर। तो यार इसके बारे में तो नहीं बताना है मुझे कुछ भी, इसका पिरामिडल शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका वी शेप बैंड शेप है, ये कौन सा केस था, ए बी टू एल टू, ए बी थ्री एल और ए बी फोर, इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इसका सबको रटा हुआ होगा 107 डिग्री और इसका सबको रटा हुआ होगा 104.5 डिग्री, तो लोन पेयर यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पे दो लोन पेयर और दबा देंगे बॉन्ड पेयर को, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे सिमेट्रिक है तो टेट्राहेड्रल प्रॉपर जो है वही है, डन। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है लेकिन मैंने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम रखते हुए लोन पेयर बॉन्ड पेयर की संख्या
सेम स्टैटिक नंबर के लिए अलग अलग हो सकती है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कितने ज्यादा लोन पेयर है उतना ही बॉन्ड एंगल आपका कम होता चला जाता है जनरल ट्रेंड। इसके मैंने एग्जाम्पल लिए कुछ। अब मैं बात करता हूं थर्ड वाला फैक्टर एंड दैट इज सेंट्रल एटम को सेम रखूंगा साइड एटम डिफरेंट करूंगा, साइड एटम सेम रखूंगा सेंट्रल एटम को डिफरेंट करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम रखते हुए और नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सेम रखते हुए अब मैं नेचर ऑफ एटम को चेंज करूंगा। तो नेचर ऑफ एटम्स में मैं पहला केस ले लेता हूं जब सेंट्रल एटम डिफरेंट हो और साइड एटम या पेरिफेरल एटम सेम और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो सेम है ही, वो तो सेम है। सबसे पहले तो वही देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, फिर देखेंगे हम कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, फिर देखेंगे नेचर ऑफ एटम। सीक्वेंस में जिस तरह लिख रहा हूं उसी तरह फैक्टर आपके दिमाग में होने चाहिए क्वेश्चन करते टाइम, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपके दिमाग में चीजें डाल रहा हूं, उसी सिस्टमेटिक तरीके से थिंग्स मस्ट बी प्रोग्राम्ड इन योर माइंड। मैं एक छोटी चीज समझाता हूं, सेंट्रल एटम ने डिफरेंट लिया ना, यहां पे सेंट्रल एटम में ए ले लेता हूं, यहां पे बी ले लेता हूं, पेरिफेरल एटम सेम है सी और सी, बाकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी सेम है सी। अच्छा पेरिफेरल एटम सेम लेना है, सेंट्रल एटम डिफरेंट था। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन एक की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा, जितना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके न्यूक्लियस की तरफ जाएगा उतना ही नजदीकियां बढ़ेंगी, रिपल्शन बढ़ेगा, जितना दूर रहेगा इधर, जैसे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो रिलेटिवली दूर रहेगा, यहाँ रिपल्शन कम रहेगा तो ये पास पास आना पसंद करेगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल एटम ज्यादा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पेयर रिपल्शन से आप देखोगे, तो जितना सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा नजदीकियां बढ़ेंगी ज्यादा रिपल्शन, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, और जितना दूर दूर रहेंगे नीचे की तरफ सी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ही बॉन्ड एंगल कम है, सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ही बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बिकॉज जितना सेंट्रल एटम के पास जाएगा तो बॉन्ड तो इधर न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, तो आप बोलोगे पास पास आए तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ने वाला है, यहाँ पे दूर दूर है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, तो इतना ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्या है, बॉन्ड एंगल ज्यादा बनाने की जरूरत क्या है, बॉन्ड एंगल छोटा रहेगा रिलेटिव। समझ गए, बेसिक फंडा ये है जो मैंने आपको समझा दिया। यस सर। अब मैं इसके एग्जांपल ले लेता हूं, जल्दी से मुझे बताना सेंट्रल एटम में क्या कर रहा हूं, डिफरेंट कर रहा हूं, ओके ओके, पेरिफेरल एटम सेम रखूंगा, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और विस्म, पेरिफेरल एटम मैंने सेम रखा, सब पे फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली है तो सब पे एक एक लोन पेयर रहेगा, क्योंकि NH2 NP3 होता है तो तीन तो बॉन्ड पेयर बन चुके हैं आयोडीन के साथ, तो एक लोन पेयर तो रहेगा, टोटल पांच इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई दोराय नहीं, सबकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 sp3 sp3, सब में लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सेम, अभी तक जो फैक्टर पढ़े थे वो तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे,
पर अब जो थर्ड फैक्टर पड़ा है, फर्स्ट और सेकंड फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम, उसके बाद कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, वो भी सेम, एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर है सभी। अब पंगा फंस गया, अब बताओ फोर्स फोर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर पास पास रहेंगे, आर्सेनिक में थोड़ी दूर रहेंगे और बिस्मथ में सबसे दूर रहेंगे, तो बताओ मुझे बॉन्ड एंगल किधर से किधर बढ़ेगा, क्यों? फॉस्फोरस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चिपका के रखेगा ज्यादा रिपल्शन, बिस्मथ में ये वाली सिचुएशन रहेगी, बड़ा दूर रहेगा कोई रिपल्शन नहीं, तो पास पास ही रहेंगे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर जब फॉस्फोरस का सब, यस और नो, क्लियर, यस और नो, यस, नोट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल आप बताना मुझे, पहले कर चुके हैं, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, बताओ क्या होगा, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास खींच के रखेगा लोन पेयर, विस्मत तो दूर रखेगा, तो नाइट्रोजन अपने पास खींच के रखेगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, लेकिन सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा पेरिफेरल एटम सेम होते हुए उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, सेम रीजन हेयर, सब ए बी टू एल टू वाले केस हैं, सब ए बी थ्री एल वन वाले केस हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो सेम ही हो गए, हालांकि पहले वही सोचते हैं हम लोग, सबके ऊपर दो दो लोन पेयर हैं और दो बॉन्ड पेयर, तो हाइड्रोजन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, बस लोन पेयर वाली बिंदी खुद बनानी पड़ती है, खुद सोचनी पड़ती है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बॉन्ड एंगल आपका इस तरह होगा, क्योंकि ऑक्सीजन चिपका के रखेगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड बॉन्ड को दूर भेज देगा। इसी में हमने देखा था कि इन सब का बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री के आसपास है, ऐसा ड्रेगोस रूल ने बताया था। मैं अगर वैल्यू आपको लिखूं तो 107 डिग्री हो गया, ये 19 पॉइंट के बहुत नजदीक, बट आई मीन टू से दोनों तो 90 हो गए, पर फिर भी थीटा वन सबसे बड़ा है, थीटा टू से छोटा है, थीटा थ्री थीटा फोर, बॉन्ड एंगल बढ़ इधर रहा है, पर सबका 90 के लगभग है, याद है आप लोगों को 104, आपको तो बस यही याद रखनी है, दो वो याद कर चुके हो आप, यहाँ पे 92.1 डिग्री 91 डिग्री के लगभग होता है, और ये 90 पॉइंट समथिंग तो 90 डिग्री के नियर अबाउट ही लेंगे, थीटा तो बढ़ रहा है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इन सभी का बॉन्ड क्या है 90 डिग्री के, ऐसा किसने बोला, ड्रेगोस रूल ने बोला, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। डन बच्चों, यस और नो? यस सर। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूं, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन,
NH3, H2O, PH3, H2O. और इन्हीं को घुमा फिरा दूंगा। अरे आपको तो याद ही है, इन दोनों के लिए ड्रैगन्स रूल है नियरली इक्वल टू 90, इसमें 107, 104.5। और NH3 PH3 सेंट्रल एटम अलग है, इधर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फॉस्फोरस ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल आपका, या फिर इसमें देखो तो एक लोन पेयर, इसमें दो दो लोन पेयर है तो दब ही गया, ये तो पहले वाले फैक्टर से देख सकते हो आप, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल यही होगा, बाकी तीन ऑप्शन में घोंप रख के दिया हुआ होगा। दिस इज करेक्ट ऑर्डर, मैंने करेक्ट ही पूछा था, ऑप्शन बना देंगे ऑब्जेक्टिव आगे पीछे करके, दैट्स ऑल। ये तो ड्रैगोस रूल का एप्लीकेशन है, ड्रैगोस रूल बताता है इन दोनों का तो नियरली इक्वल टू 90 डिग्री है। नो हाइब्रिडाइजेशन, प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे। अब ये मैं नेचर ऑफ एटम्स में थर्ड बी की बात करता हूँ। सर बोलो सर, इसमें H2O NH3 की तो हमें याद है, लेकिन सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है ना। हाँ ठीक है ना, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यार मैंने बोला था कि सारे स्टेप को सीक्वेंस वाइज सोचो, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की, थर्ड और फोर्थ और ड्रैगन फ्रूट से हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड के हाइब्रिड। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम है तो दूसरे नंबर पे क्या सोचना है, कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर तो कम रिपल्शन, या दो दो लोन पेयर दबा देंगे पूरी तरह तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, वहीं से डिसाइड हो गया, आपको आगे सोचना नहीं है। जो मैं फैक्टर लिखवा रहा हूं वो सीक्वेंस में सोचने आने चाहिए, ये मैं पहले बोल चुका हूं। इस बार हम लोग केस ले लेते हैं, सेंट्रल एटम तो सेम रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो सेम है ही है, नेचर ऑफ एटम वाला जो थर्ड वाला फैक्टर है उसमें मैं चेंज कर रहा हूं। किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जिनमें सेंट्रल एटम सेम है बट साइड एटम पेरिफेरल एटम अलग अलग है, तो बताओ मुझे सेंट्रल एटम सेम है, मान लीजिए ए और ए, यहां पे बी है और यहां पर सी है, बाकी सिचुएशन वही है, जो भी लोन पेयर या कुछ भी लौना होगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से, तो बस मैं अब नेचर ऑफ एटम पेरिफेरल एटम मुझे बताओ, जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा और जितना दूर होगा उतना ही कम बॉन्ड एंगल, ये तो एग्री करते हो बिंदास, ठीक है भाई साहब, लेकिन ये पास किसका जाएगा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर पास जाएगा और थीटा बढ़ेगा, तो लिखो सेंट्रल एटम पेरिफेरल एटम अलग किया है ना हमने यहां पर, हाँ, तो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम डिक्रीजेज, ये डिक्रीज इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पास खींच रखा है लेकिन इसमें कम है तो थीटा बढ़ गया, ऑफ साइड एटम डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, एंड एज साइज ऑफ साइड एटम इंक्रीजेस, ये छुटकू है ये बड़ा है मान लीजिए और ये छोटा है मान लीजिए, तो बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा, थीटा वन में ज्यादा होगा, एज साइज ऑफ साइड एटम इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, तो इस बार हम साइड एटम को अलग कर करके देखेंगे, अरे वो तो जितना नजदीक जाएगा उतना रिपल्शन ज्यादा और बॉन्ड एंगल ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है,
पर अगर दोनों फैक्टर काउंटर करें तो एक किसको लेना है? क्या हो गया? अगर दोनों फैक्टर काउंटर करें तो किसको लेना है? कौन से दो फैक्टर? यही वाले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज वाला पहली बात तो काउंटर नहीं करता, वह मिलेगा। रीजन भी जैसे से आपने पढ़ा है पीरियोडिक ट्रेंड में कि लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल वालों पीरियड, तो साइज घटता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप जाए तो साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो। तो जनरल ट्रेंड क्या है एलिमेंट्स का? साइज घटता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ये तो जनरल ट्रेंड है अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप। समझ गए ना? तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप वाले ही केसेस देते हैं क्वेश्चन में। एनीवेज, बॉन्ड एंगल इन दोनों केसेस में इस तरह इंक्रीज हुआ। मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपको, आपको एग्जांपल करने हैं। एग्जांपल फर्स्ट, कार्बोनिल फ्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड और कार्बोनिल आयोडाइड, CO है ये, O. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम? कार्बन में चार इलेक्ट्रॉन मोनोवेलेंट, दो फ्लोरीन या दो क्लोरीन या दो ब्रोमीन हो गया, बाकी चार्ज है नहीं, डिवाइड बाई 2, 3, तो सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑल हैव sp2। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और मल्टीपल बॉन्ड सेम, ये हो गया COF2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार। ये हो गया COCl2। सर एक बार लास्ट पेज निकाल दो। बताओ मुझे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो दूर रहेंगे, इधर पास आएंगे थोड़े। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है तो दूर जाने देगा, तो बिल्कुल पास। तो बताओ बॉन्ड एंगल θ1, θ2, θ3, θ4 इधर से किधर बढ़ेगा? सबसे बढ़ो। साइज ऑफ एटम भी इधर ही बढ़ रहे हैं। ये फ्लोरीन छुटकू छुटकू तो कम जगह चाहिए, आयोडीन आयोडीन मुटकू मुटकू तो ज्यादा जगह चाहिए, तो बॉन्ड एंगल साइज के हिसाब से बढ़ रहा है। और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बढ़ रहा है, सिंपल। चलो दो तीन एग्जाम्पल, दो चार एग्जाम्पल करते हैं, देन ब्रेक लेंगे हम। बॉन्ड एंगल के जल्दी से नोट कर लिया बच्चों? फास्ट डन और नोट? जल्दी जल्दी नोट किया करो भाई, फास्ट फास्ट। इसका नाम क्या है? अरे बहुत बार यूज हो चुका है यार, जल्दी से बोला करो। फॉस्फीन, इसका नाम क्या है? फॉस्जीन, थोड़ा सा फर्क है। कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जीन। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं SOX2 का। ये किसका एग्जांपल था? COX2, क्लोरीन क्लोरीन चेंज कर दिया हमने, तो SOF2, SOCl2, SOBr2 एंड SOI2। बताओ बॉन्ड एंगल। सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालो सेंट्रल एटम का। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट 2 हैं,
चार्ज है नहीं डिवाइड बाय टू तो फोर मतलब sp3 है। अब तीन ही एटम है, दो हेलोजन एक ऑक्सीजन, तो तीन ही बॉन्ड बन सकते हैं, हर एटम के पास एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो तीन बॉन्ड पेयर और एक नॉन पेयर वाला केस हो गया, यानी कि सभी की शेप है पिरामिडल। नोट कर लिया, मुझे आपको बताना है हेलोजन सल्फर हेलोजन वाले बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। दिस इज योर क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। सबसे बड़ा होगा और SOF2 का सबसे छोटा होगा। बिल्कुल, यहां से यहां सेम ऊपर वाला रीजन, अब मैं कुछ बताऊंगा नहीं, यहां से आ जाए तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा तो खींच कर रखेगा अपनी तरफ, तो सल्फर से दूर रखेगा, तो रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल कम, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लू, ये बहुत कॉमनली यूज एग्जांपल है, आपको मिलते रहेंगे, पी एक्स थ्री के एग्जांपल ले लू, जल्दी से बताना। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ही बता दो, sp3 है सब। सर एक बार लास्ट पेज निकाल दो, कर चुके हैं हम कुछ एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं इनमें से। ये अल्कोहल है, ये इथर है, ये सारे एग्जांपल करने हैं। सेंट्रल एटम सेम रखा है, पेरिफेरल एटम हम लोगों ने डिफर करवाए हैं इन सभी एग्जांपल्स में। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। सर एक बार SOX2 की शेप बता दो। नया मांगा था। कौन है ये? अरे अरे कौन बच्चा है? SOH2 की। हाँ आप बोलो सर। SOF2 की इसकी सर जो आपने सेकंड एग्जांपल लिया है ना AB3L जिसमें शेप आई है। ना ये तो आती है यार आपको, एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर क्या होता है? पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप नहीं आती, ये एंगल मैंने कंपेयर करवाया, कौन सा? हेलोजन सल्फर हेलोजन, ये वाला एंगल मैंने कंपेयर करवाया है, ये दोनों मामले तो सेम ही है, तो इधर ज्यादा खींच के रखेगा अपनी तरफ फ्लोरीन, तो इधर होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्सेंट्रेटेड, तो कम रिपल्शन, बॉन्ड एंगल ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। लेकिन आयोडीन की बात करें तो वो तो खींच कर रखेगा, वो इधर जाने देगा, इधर जाने देगा तो दूर दूर भागेंगे बॉन्ड पेयर रिपल करके, तो
तो एसओ आई टू में बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया। यहाँ पे सी एल सी एल वी आर वी आर करते रहो, पता है ना, ये तो सिंपल चीज है बी एस सी पी आर की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या एब्रेशन स्टेट है इधर फोर्स फोर्स की, बताओ जल्दी से। पांच वाला डिवाइड बाय टू फोर एसपी थ्री है, तीन तो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर होगा ना पक्का यार, सेंट्रल एटम सेम है, पर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे पेरिफेरल एटम, ड्रैगोज रूल तो चल नहीं सकता यहाँ, नॉट क्वालिफाइड। बताओ फ्लोरीन सब ज्यादा दूर रखेगा लेकिन आयोडीन पास रहने देगा बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो बॉन्ड एंगल इधर से इधर बढ़ता चला जाएगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई इधर सल्फर की, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवेलेंट ये चार है नहीं, sp3 क्या हो जाएगी, वी शेप बैंड शेप एंगुलर शेप, बताओ सभी में क्या रहेगा, एस एक्स एन एक्स, क्लोरीन इधर खींच के रखेगा तो बॉन्ड एंगल कम, क्लोरीन ज्यादा और ब्रोमीन ज्यादा, साइज से देख लो आयोडीन बड़े बड़े ब्रोमीन बड़े बड़े साइज के, बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो सेम है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो सेम है, डन। बॉन्ड एंगल समझ में आ गया बच्चों, क्लोरीन इधर रखेगा लेकिन ब्रोमीन इधर रखेगा तो ब्रोमीन का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, साइज के हिसाब से भी जितना ज्यादा एक्स का बड़ा साइज उतने दूर दूर भागेंगे, साइज भी यहां पर भी साइज वाला फैक्टर लग रहा है, यहाँ पर भी साइज वाला और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी लग रहा है, NO2 NOCl दोनों की अगर मैं बात करूं, NO2 तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज दे चुके हो, ये sp2 है, NOCl यहां पे भी sp2 यहां पर भी sp2, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम, लेकिन फर्क किस चीज का पड़ेगा, ये लोन पेयर है तो ये तो दबाएगा इनको, लेकिन ये है ये तो दबाएगा नहीं, ये तो बॉन्ड पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं पर ओड इलेक्ट्रॉन में एक ही होते हैं, तो लोन पेयर सब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, फिर बॉन्ड पेयर करता है और सबके बाद ओड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल बनता है, वो तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एक इलेक्ट्रॉन वाला कम रिपेल करेगा, बताओ NO2 में कितना बॉन्ड एंगल है, रट चुके हैं बहुत बार, 135-134 डिग्री के लगभग है, सब लोग जानते हैं, NOCl में ये एंगल थीटा क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा, थीटा टू थीटा वन तो याद ही है आपको, थीटा टू छोटा हो जाएगा लोन पेयर की वजह से, दिस विल बी स्मॉलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। मैं आपको बताऊं ये 113 डिग्री है एक्चुअली, होना भी चाहिए, साइज और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, पहले तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बाद में साइज, साइज वाला फैक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर तो थर्ड था, उससे पहले फर्स्ट और सेकंड देख लेंगे, ये सेकंड सही हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर है यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो 11% ज्यादा दबा देगा 11% कम, हालांकि आप ऐसे सोच सकते हो ऑक्सीजन सेम है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से दूसरी वाली ऑक्सीजन से, तो ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर का जलवा चलेगा, लोन पेयर
ज्यादा बल्कि होता है तो वो डोमिनेटिंग फैक्टर है. नेक्स्ट एग्जांपल OF2 H2O एंड OCl2 पहले कर चुके हैं हम लोग. इसका 111 डिग्री है, OF2 का 103 डिग्री है, NH2O का 104.5 डिग्री है. आप लोग कर चुके हो पहले. सब में क्या केस है, sp3 है, Ab2L2 वाला केस है. ठीक है, Ab2L2 वाला आपका केस है, as simple as that. साइज भी देखोगे तो OCl2 OF2 में मैं सिर्फ OF2 और OCl2 की बात करता हूं और OBr की बात भी हम लोग कर सकते हैं, OI की बात कर सकते हैं, लेकिन दो लोन पेयर इस पे भी हैं और दो लोन पेयर इस पे भी हैं. हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी sp3 नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सेम भी सेम, लेकिन बॉन्ड एंगल अलग. क्या बोलोगे, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखेगा, रिपल्शन कम तो θ1 छोटा, लेकिन क्लोरीन दूर जाने ज्यादा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जाने देगा उधर, ज्यादा रिपल्शन तो θ2 ज्यादा, और साइज के हिसाब से भी क्लोरीन बड़ा, θ2 ज्यादा और θ1 कम. तो θ1 और θ2 में आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो ये रिलेशन. मैं आपको एक चीज बताऊं, बॉन्ड एंगल का ये शायद मैं बता चुका हूं. मैं इथर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है बता चुका है इसके बारे में. सर हाँ सर, जो आपने पहले बताया था H2O और OCl2 में Cl2 तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है H से ना, इसलिए तो वो एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूं. पहले तो आप इसको कंपेयर करो, OBr बताओ मुझे, डाउन द ग्रुप वाले FClBr IR है ना, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन और इधर रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े उधर ज्यादा रिपेल करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन और ज्यादा रिपेल किए, और अरे बाप रे, यहाँ पे बिल्कुल इधर फ्लोरीन खींच के रखा है, क्लोरीन थोड़ा दूर जाने देगा, ब्रोमीन और ज्यादा दूर जाने देगा, और आयोडीन और ज्यादा. तो θ1 θ2 θ3 एंड θ4 obviously θ1 से बड़ा θ2 से बड़ा θ3 से बड़ा order. size देखो, दो आयोडीन दूर दूर जाए बड़ा साइज, दो ब्रोमीन छोटा साइज, तो θ3 छोटा, क्लोरीन और छोटा, क्लोरीन और छोटा. तो यहाँ साइज देखो या ये देखो, एक ग्रुप के हिसाब से हम लोग बात करें, ठीक है. लेकिन जब हम H2O को इंट्रोड्यूस कर देंगे, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन दिया, यहाँ पे पंगा होता है, H2O को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो साइज इज नॉट डोमिनेटिंग. यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है OH के कंपैरिजन में, तो OH सिर्फ OH और OF2 की बात कर लेता हूं, H2O एंड OF2 की बात कर लेता हूं. फ्लोरीन इधर खींच के रखेगा, लेकिन हाइड्रोजन तो, इसलिए ये 103 डिग्री होता है और ये 104.5 डिग्री होता है. हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो सेम है सेंट्रल एटम की, साइज तो फ्लोरीन का बड़ा है हाइड्रोजन से, इसमें कोई दोरा ही नहीं है, लेकिन साइज नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डोमिनेटिंग फैक्टर. जनरलाइज नहीं कर सकते हैं,
साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रोनेगेटिव डोमिनेटिंग फैक्टर होगा ऐसा नहीं है ऑल द टाइम्स, बट साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर एक ही फैशन में रहता है, एक ही पर्टिकुलर रिजल्ट देता है। ये बात सही है क्योंकि सारे एग्जाम्पल में यही S2O को छोड़कर। वेरी मच क्लियर टू यू? ठीक है बच्चों, मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को। ओ एच एच ये तो पानी है, हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम है, बस मैं फर्क कर रहा हूं नेचर ऑफ ग्रुप की फर्क कर रहा हूं। यहां पे मिथाइल वगैरह कोई ग्रुप आ गया, अगर पोलियटोमिक है तो हम पोलियटोमिक ग्रुप बोल देंगे। यहां दोनों तरफ ये ईथर हो गया, ये एल्कोहल है, ये ईथर है और ये आपका वाटर। सब में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो सेम है, sp3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सेम है, तो अब तो नेचर ऑफ एटम डिसाइड करेगा थर्ड वाला फैक्टर। आर बड़ा है, यहाँ पे दो बड़े बड़े हैं और यहाँ पे टिंगी टिंगी है। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा थीटा बढ़ता चलेगा, नो डाउट अबाउट इट। पर मैं भाई साहब एक चीज बोल रहा हूं, अगर यहां पर एल्काइल देखें तो ये जो एंगल है ना, हम जैसे ही लोन पेयर बढ़ेंगे तो 109 से sp3 में 109 होना चाहिए, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ही छोटा बॉन्ड एंगल। लेकिन ये जो इथर में होता है ना ये बॉन्ड एंगल, ये दोनों आर का मतलब इथाइल रख रहे तो 111 डिग्री है, विच इज ग्रेटर देन 109.5 डिग्री। जैसे ही लोन पेयर आते हैं वी शेप में आता है sp3 वाला, तो बॉन्ड एंगल कम होता है। यहां तो 109 से भी ज्यादा है बिकॉज ऑफ साइज, बिकॉज ऑफ साइज, यहां पे साइज डोमिनेटिंग फैक्टर है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग फैक्टर था। इसलिए परम सर ने बोला था, अरुण आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर कौन सा डोमिनेट करेगा, कोई पक्का नहीं है, कोई पक्का नहीं है, पक्का होता तो मैं पहले ही नहीं बता देता, पहले ही कंक्लूजन लिखवा देता काम की चीज होती तो, बट उसका वक्त आना बाकी था, अभी उसका वक्त आ गया ताकि मैं आपको समझा पाऊं। ये देखो बड़ी गजब की चीज है, ऑब्जर्व करो तो इथर में देखो भाई sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन इथर में भी, हम चाहते हैं 109 होगा लेकिन ये तो 109 से कम होगा हम चाहते हैं, जैसे H2O था 109 से कम था, लेकिन साइज डोमिनेटिंग फैक्टर गजब का है और 109 से कम एक्सपेक्टेड था पर 109 से ज्यादा है, हद कर दिया आपने साई साहब, आपने तो हद कर दी। स्टेरिक रिपल्सन निकलो, स्टेरिक रिपल्सन दूर दूर होना पड़ेगा, क्राउडिंग की वजह से दूर दूर होना पड़ेगा, क्राउडिंग की वजह से। डन, सर कितनी देर में पढ़ाओगे? 10 मिनट तक पढ़ेंगे पर अभी थोड़ा सा एक बॉन्ड एंगल एक दो क्वेश्चन फिर हम सर कल उसमें एंगल अभी अभी थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। बोलो तो उसमें एंगल का ऑर्डर कैसा है? बीच में था किसमें? एल्कोहल बीच में था, पानी का सबसे कम था और इथर का सबसे ज्यादा था। इथर के बारे में एक चीज हाईलाइट करना चाहता था कि दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर sp3 में जब होते हैं तो 109 से घट के काफी कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ने गजब काम कर दिया। बताओ स्टेरिक रिपल्सन की वजह से इसमें एंगल बढ़ गया? हाँ 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 यस, साइज ऑफ स्टेरिक रिपल्सन
जितना बड़ा साइज होगा उतना ही स्पेस में जगह बनाएगा, उसी स्पेस में जगह बनाने को स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं, क्राउडिंग बोलते हैं, क्राउडिंग। सर NO2 और NOCl में किसका एंगल बड़ा था? NOCl का छोटा था क्योंकि वहां पे लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन थे और NO2 में एक ही इलेक्ट्रॉन था। फिर मैंने बताया था लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है, ज्यादा बड़ा साइज का होता है, बॉन्ड पेयर उससे छोटा, बॉन्ड पेयर में ट्रिपल बॉन्ड से छोटा, डबल बॉन्ड से छोटा, सिंगल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड पेयर आ गए और ओड इलेक्ट्रॉन उससे कम छोटा वाला बैलून है। समझ गए ना, ये बड़ा बैलून था, ये उससे छोटा बैलून था और ये सब छोटा बैलून मान लो। अरे इन सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है यार, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली NOCl में छोटा होगा। एक बहुत ही टुल्लू क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, दे दूं सर? हाँ सर, जो सिंगल बॉन्ड है वो ज्यादा रिपेल करता है या ऑड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करता है, अगर उन दोनों को कंपेयर करें तो? सिंगल बॉन्ड ज्यादा करता है ऑड इलेक्ट्रॉन से, या दो दो इलेक्ट्रॉन है या एक इलेक्ट्रॉन है? यस ठीक है, मैं स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं रिपल्सन की बात कर रहा हूं जो VACPR थ्योरी बोलती है, स्टेरिक अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। आप बोलोगे सर कार्बन फ्री रेडिकल तो फटाक से रिएक्ट कर जाता है, और ये रिपल्शन भी तब देखना है जब हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़ा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तब तो मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, व्हेन टू थिंक व्हाट, किस रेफरेंस में। अब सोचे जा रहे हो उस इलेक्ट्रॉन को जा रहा है डीलोकलाइजेशन में, डीलोकलाइजेशन जाने वाला तो लोकलाइज होगा, वही तो हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, डीलोकलाइज वाला तो हाइब्रिडाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, वो तो घूमने चला गया, रेजोनेंस में चला गया। इसलिए मैंने बोला नंबर ऑफ लोकलाइज लोन पेयर स्टेरिक नंबर में हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए। बताना एक क्वेश्चन, बहुत टुल्लू क्वेश्चन है, टुल्लू टुल्लू टुल्लू। बताओ सबका कंपैरिजन, भाई कोई कंपैरिजन करनो ही ना। रेगुलर टेट्रा चार वैलेंसी सेम तो सब एंगल पक्का पक्का, कोई कंपैरिजन करना ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो सब रेगुलर ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। बताओ जरा PF3 एंड PCl3, बताओ बॉन्ड एंगल का डायरेक्शन, पेरिफेरल एटम अलग है, बाकी sp3 है, नॉन पेयर पहला फैक्टर, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो सेम sp3। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर चेक करो, सब ab3l1 है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ एटम्स चेक करते हैं, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखेगा लेकिन क्लोरीन खींचने देगा? अरे भाई सीधी बात है, साइज भी क्लोरीन का ही बड़ा है। इस बार मैं चेंज कर देता हूं सेंट्रल एटम, बताओ नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच के रखेगा, जितना पास पास गए उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। कोई भी NX3 PX3 से ज्यादा ही होगा, इन जनरल ठीक है। OCl2 का बॉन्ड एंगल मैंने याद करवाया था 104 डिग्री, ClO2 का बॉन्ड एंगल याद करवाया था मैंने 117 डिग्री, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। H2 अमोनिया इन सब का कुछ का बेसिक का याद होना चाहिए, NO2 का 134 डिग्री,
उसका ध्यान रखो आप। इथर 111 डिग्री जनरल इथाइल जब व्यवहार का मतलब। एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा ज्यादा चीज कंपेयर करनी पड़ेगी, बताओ कंपेयर द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बताओ NF3 NH3 PH3, कई कई चीज मैंने एक साथ इनवॉल्व कर दी। एक बिना दिमाग लगाए बता सकते हो कि किसका बॉन्ड एंगल सब छोटा होने वाला है? नंबर डिग्री के पास किसका होने वाला है? अरे यार सब छोटा इसका होगा, बाकी सब क्या है? sp3 फॉस्फोरस sp3 नाइट्रोजन sp3। ये तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, यहां sp3 बोलना बेवकूफी है। बाकी सब जगह sp3 एक्सेप्ट दिस, ऑल sp3 एक्सेप्ट ड्रैगोज रूल, ph3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो सबसे कम वही है। जिसका एंगल अभी अभी याद भी किया था, इसका नियरली इक्वल टू 90, इसका तो याद ही है। बताओ NH3 और NF3 में किसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे आपने देखा था H2O NOF2 में सेम वे, नाइट्रोजन का हाइड्राइड ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड, NF3 का साइज छोटा, किसका छोटा होगा? NH3 और NF3 में किसका छोटा एंगल होगा? NF3 का, बोलो ना। यस सर, जैसे सेम रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम रीजन OH2 लिख दो इसमें। ये तो काफी ज्यादा है। यहां पे भी देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, sp3 है ईथर की तरह, लेकिन 109 से ज्यादा, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं करते। OCl2 में हो गया, वी डोंट एक्सपेक्ट लाइक दिस। तो सबसे कम किसका हो जाएगा? ph3। उससे ज्यादा किसका हो जाएगा? NF3 और PF3 में किसका ज्यादा होगा बताओ? NF3 और PF3 जल्दी से बताओ। NF3 ऑल आर लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। ये स्पेशल है, दो दो चार पांच मिनट ध्यान रखने के लिए बोला था, वो जरूर ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसको छोड़कर बाकी सब कौन से केस हैं? इन सब में AB3L ये वाले केस हैं। तो पिरामिडल में तो कम होता है, NF3 और PF3 पढ़ चुके हो, सेंट्रल एटम अलग है, इधर सेंट्रल एटम अलग है तो नाइट्रोजन अपने पास खींच कर रखेगा तो रिपल्सन ज्यादा करवाएगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये रहेगा। तो बताओ PH3, उसके बाद PF3, PNF3, फिर NH3 हम सब जानते हैं, और OCl2 ज्यादा आने वाला है। 107 111 याद ही है। This is the order of theta. Done? Do. Sir, number
यस बोलो 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 सर, थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ था? PS3 सर, थर्ड नंबर पे फोस्पीन, हाँ PS3 बोलो सर, एक बार वापस बता दो किस कौन सा किस किस के बॉन्ड एंगल याद रख। ओ डन, ये तो आपको ध्यान रखना है। बॉन्ड एंगल हमारा हो गया, अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी वाली दो चीजें देखनी है हमें, और उसके अलावा फिर ये। हाँ बोलो, ये अल्फाइड है, मतलब अल्फाइड ना ईथर की बजाय कुछ और हो तो भी एक वगैरह डिग्री है फिर और। आवाज क्लियर नहीं है, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैं बोल रहा हूँ सर, जो ये है ना इथर, है ना इथर, इसमें जो अल्काइल ग्रुप है, हाँ हाँ, तो इसमें अगर और कोई जैसे अगर इथाइल की बजाय एक साइड इथाइल एक साइड प्रोपाइल, तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा, 111 से ज्यादा हो जाएगा। यस सर, मैं तो जो कॉमन इथाइल ग्रुप के हिसाब से बात की है मैंने, बताई जनरली। इवन कई बार ये भी होता है, इथर का बॉन्ड एंगल बताओ ऑब्जेक्टिव में, इथर में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड एंगल, और ऑब्जेक्टिव में ऐसा बेकार सा क्वेश्चन दिया हुआ होता है, क्वेश्चन देख के लगता है कैसा क्वेश्चन है यार, क्यों बना देते हैं लोग। उसमें 111 दिया हुआ होता है डायरेक्टली, मतलब ध्यान रहे बच्चों को, ये एक्सपेक्ट करते हैं, और इथाइल एल्कोहलिक स्पेशल के हिसाब से ऑप्शन टिक करो, तो कोई मतलब नहीं हुआ होता है, क्या करोगे, बेकार क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ सब लोग जानते हैं एक चीज, बॉन्ड लेंथ और बेबी बॉन्ड क्या होती है, स्टीवेंसन एंड सोबेकर फॉर्मूला, कोवलेंट रेडियस ऑफ ए कोवलेंट रेडियस ऑफ बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है।
जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होगा उतना ही कम होगा बॉन्ड लेंथ, उतना ज्यादा आयनिक करेक्टर भी होगा। ये पढ़ चुके। हाँ बोलो 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 सर, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर में डायरेक्ट रिलेशन बता सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड एंगल? नॉट ऑलवेज, जनरली 99% आपको ऐसा मिलेगा, वो भी एक जैसे ही एटम है तो, एटम ही एकदम बिल्कुल अलग अलग हो गए तो वो नहीं। हायर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर द बॉन्ड लेंथ, हायर द बॉन्ड एनर्जी, इन जनरल हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बट नॉट ऑल द टाइम्स। ठीक है? यस सर। एज एज एंड इंक्रीजेस ये पढ़ चुके हो आप पहले ही, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, तो बॉन्ड लेंथ को इंपैक्ट करने वाला पैरामीटर बस। तभी पूछा था ये, आपने मतलब ये लिखवाया नहीं ना इसमें? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया साइज भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है साइज बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन बताओ। बॉन्ड लेंथ साइज क्लोरीन से बड़ा क्लोरीन का, उससे बड़ा आयोडीन का, तो साइज बढ़ रहा है तो एच टू सेम है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी साइज के हिसाब से, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सब ज्यादा इधर है एंड इधर बढ़ रहा है, तो वैसे भी देखो तो आपका काम हो जाएगा। यस और नो? इजीली सेकेंड, मान लीजिए कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मान लीजिए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन है और कार्बन फ्लोरीन है, मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है एंड फ्लोरीन हाइड्रोजन, सब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर है? इधर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की तो फिक्स है, दूसरे की बढ़ा रहे हैं तो बढ़नी है, इसका 2.5 और 2.5 एंड जीरो हो गया, इसका 3 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका 2.5.5, इसका 3.5 2.5 1 और इसका 4 माइनस 2.5, तो डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है एंड इधर बढ़ेगा। तो बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा, सिंपल। इसी पैटर्न पे मैं बोलूं कि बताओ भाई, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, C ट्रिपल बॉन्ड N और C कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ट्रिपल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो, यहाँ पे नाइट्रोजन भी ज्यादा है थोड़ा बढ़ा बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इधर से इधर बढ़ रहा है, N की वैल्यू, तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम ही है इधर वैसे, पर बॉन्ड लेंथ किधर बढ़ेगी? उल्टा, बताना। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर मैंने सेम रख लिया, बाकी कुछ वैलेंसी वगैरह होंगी इनकी, कार्बन की बची हुई दो दो वैलेंसी तो होंगी होंगी इधर, अरे एंड इधर से इधर बढ़ रहा है,
तो बॉन्ड लेंथ इधर से इधर बढ़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ एटम वाला फैक्टर ये हो गया आपका, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफरेंस साइज डिफरेंस उतना ही, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ही छोटा बॉन्ड है। सर ब्रेक कब होगा? बस अब तो फिनिश कर देंगे लेक्चर को, वेट फॉर अ व्हाइल। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। ये बॉन्ड वाले क्वेश्चन आते हैं काफी, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को लिया है। बस डाइपोल मोमेंट और वैन डर वाल्स फोर्सेस बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा। एडवांस वीबीटी और बेंड रूल वो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें थर्मो करना है, ठीक है। वो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा ऑब्वियसली। वो तो वैन डर वाल्स बॉन्डिंग में डाइपोल डाइपोल होता है, उसी का स्पेशल केस होता है वैन डर वाल्स बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कल हम डाइपोल डाइपोल और वैन डर वाल्स बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जांपल बहुत लेने पड़ते हैं इसलिए उसमें टाइम लगेगा काफी। डाइपोल डाइपोल स्टार्ट करेंगे, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा एक से डेढ़ घंटे में खूब प्रॉपरली सारे बहुत सारे एग्जांपल लेकर भी, लेकिन उसके बाद वैन डर वाल्स फोर्सेस वो कुछ हो जाएगा हमारा, वैन डर वाल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचेगी बस। कितने घंटे के लेक्चर लोगे? कल वही 3 घंटे सर, सुबह लेना प्लीज विद ब्रेक सर, शाम को ले लेना इसी टाइम पे, रात को नहीं सर, कल सुबह ले लेना। यस सर, सुबह ले लेना। लिखो बॉन्ड ऑर्डर सर, दोनों टाइम बॉन्ड ऑर्डर और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड कुछ भी बोल दो ना, एक ही मतलब है। अगर नेचर ऑफ एटम वैसे ही है तो फिर बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आप कंफर्म बता सकते हो, लेकिन नेचर ऑफ एटम चेंज हो गए तो फिर थोड़ा बताना मुश्किल है। नेचर ऑफ एटम सेम है दोनों, बॉन्ड के इधर उधर वही एटम है। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ऐसा हरदम ट्रू नहीं है। नेचर ऑफ एटम्स सेम, जैसे एबी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एबी के बीच में डबल बॉन्ड है और एबी के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड है। हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर इधर से इधर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ इससे उल्टा बढ़ेगा। सर लास्ट पेज निकाल रहे सीसी, जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन, वो मत करो, नोट मत करो, छोड़ दो उसको। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा अगर नेचर ऑफ एटम सेम है, बस वो लिखवाया था मैंने, बाकी तो एग्जांपल अभी आ रहे हैं। बताओ आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ये हाई जी क्वेश्चन है, मुझे नहीं करवाने चाहिए।
सब में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ऑल ऑफ दीस बॉन्ड लेंथ इधर और बॉन्ड ऑर्डर इधर, क्योंकि नेचर ऑफ एटम इधर उधर सेम है। लेकिन अगर मैं पूछूं कार्बन 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 नाइट्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे बताओ बॉन्ड लेंथ, तो नेचर ऑफ एटम तो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फैक्टर हो गया, साइज वाला फैक्टर हो गया, जो इससे पहले हम देख चुके हैं ये एग्जांपल, वी हैव ऑलरेडी सीन एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में ऑफ साइज में, ये बॉन्ड ऑर्डर वाला है ही नहीं क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखें बॉन्ड ऑर्डर देखें। अब बॉन्ड ऑर्डर तो रेजोनेंस से भी चेंज होता है, रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता है, ये थोड़ी बॉन्ड लेंथ भी आप ध्यान रखना, 1.2 एंगस्ट्रॉम होता है सी ट्रिपल बॉन्ड से, ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है और ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, ये जरा एमएमएल करके रखना, ऑर्गेनिक में तो बहुत काम आती है क्योंकि कार्बन की दुनिया है ना, 1.2 1.34 और 1.54 एंगस्ट्रॉम, कहीं पे बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में होगा तो 1.34 1.54 के बीच की कोई बॉन्ड ऑर्डर होगा अगर रेजोनेंस है तो, जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर है लाइक दैट। बेंजीन की जैसे मैं बात करता हूं, बेंजीन का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया तो यहां डबल बॉन्ड है, दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन दूसरे वाले में यहां डबल बॉन्ड है, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज 1 और 2 के बीच में, तो सी सिंगल बॉन्ड सी 1.54 एंगस्ट्रॉम, C डबल बॉन्ड C 1.34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन जो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है बेंजीन में वो 1.39 होता है, क्यों, क्योंकि ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो पार्शियल है तो पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, तो बीच में रहेगा, तो रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर को चेंज कर देता है तो बॉन्ड लेंथ को भी इंपैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग भी रेजोनेंस है, उसको अगर मैं इन्वॉल्व करूं तो आप बड़े प्यार से सोच सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूं BF3 एंड BF4 नेगेटिव, बताओ BF की बॉन्ड लेंथ ऑफ BF बॉन्ड का ऑर्डर बताओ, ये sp3 हो गया, ये sp2 हो गया, लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग है, लिख के नहीं बता पाते, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर pdch रहेगा, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है 1. समथिंग या 1 ही है, क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इधर से इधर बढ़ेगी ऑब्वियसली, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये 1. समथिंग है, 1.33 के लगभग, ठीक है। जानते हो आप बैक बॉन्डिंग से 4/3 आएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका, तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो आप बना चुके हो उससे देखोगे तो। शुड आई हैव दिस, मैं ये पेज हटा देता हूं, बस बॉन्ड लेंथ के हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर बॉन्ड एनर्जी के कल करेंगे, यानी कि छोटा सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन बताएं, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के हिसाब से कंपेयर करें, यहां पे सी ट्रिपल बॉन्ड ओ हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओगे इसके बाद, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो ये है, पर इसके तीन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें
उसकी अगर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर टू एक में रहेगा, फिर अगले वाले में सिंगल रहेगा, फिर सिंगल रहेगा, तीन आर एस रहते हैं इसके, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो ये 4/3 1.33 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ये 0.33 को मैं दिखा रहा हूँ, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। समझ में आया सबको? अरे तीन आर एस बनेंगे नहीं यार, दो बॉन्ड ऑर्डर है इधर, फिर अगले वाले आर एस में क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड तो यहाँ सिंगल आ जाएगा, अगले वाले आर एस में यहाँ डबल बॉन्ड तो भी यहाँ सिंगल आएगा, तो एक आर एस में बॉन्ड ऑर्डर टू, बचे हुए दो में वन वन, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन ऑल आर एस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आर एस इज एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, टू है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, थ्री है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है। अब क्या बताऊं मैं, हायर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर द बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर इधर से इधर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ कार्बोनेट में सबसे ज्यादा होगी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कौन सी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर भी कौन से बॉन्ड का, एक ही तो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन वाला, ठीक है। डन, जरा ये क्वेश्चन करना घर से, सबको कंपेयर करना। मैं बता चुका हूं कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, सब आप जानते हो। इधर SO2, SO3 नेगेटिव एंड SO4 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर आपका इधर से इधर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ आपका इधर, फूड फॉर थॉट, घर पे जाके अभी आराम से सोचना है क्वेश्चन। O2, O3 एंड H2O2, मुझे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ देखनी है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर वन है, सीधा सीधा पता है, स्ट्रक्चर भी जानते हो, ओपन बुक टाइप। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं बॉन्ड बेंजीन के, ओजोन का हम बना चुके हैं पहले ही आपके नोट्स में, चेक करना। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर टू है, ये तो डायटोमिक या मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से देख सकते हो। हायर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर द बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इधर से इधर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन इधर से इधर बढ़ता हुआ बता रहा है, ठीक है। ओके गाइस, लेट अस स्टॉप हियर, कल हम एग्जांपल करेंगे इसके, एक के हाइब्रिडाइजेशन और देखना है हमें, वो हम पहले पता है, फिर भी हम कुछ एग्जांपल ले लेंगे बॉन्ड एनर्जी के, या मैं हाइब्रिडाइजेशन अभी बता देता हूं बस। हाइब्रिडाइजेशन वाला बता चुका हूँ, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है छोटा ऑर्बिटल, एसपी वाला ज्यादा छोटा होता है ऑर्बिटल, एसपी2 वाला छोटा ऑर्बिटल, पास ओवरलैपिंग करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी बनाएगा। तो थर्ड वाला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाँ नेचर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, एज परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, सबको पता है। तो कार्बन कार्बन के बारे में बात करूं, लेकिन ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूं ट्रिपल वाला, ये sp, ये sp2, ये तो sp3 है आपका, बाकी उधर वाला कार्बन की सेम सिचुएशन है, से sp3 तीन वैलेंसी उसकी कोवलेंट। तो ये l1 लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ l2 है, ये l3 है, क्योंकि sp वाला ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा sp3 वाला,
तो L1 ज्यादा होगी, sp2 वाला छोटा ऑर्बिटल है, इफेक्टिव अट्रैक्शन ज्यादा है तो पास खींच के रखेगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। ये तो बॉन्ड लेंथ हो गया, लेकिन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ऑफकोर्स ये रहेगा। मैं बात करूं सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये sp3, ये sp2, ये sp l1 l2 l3 तो सब छोटा ही होगा, sp ऑर्बिटल l3 उसका बॉन्ड सब छोटा। यहां से यहां आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, यहां से यहां आपकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। समझ गए बच्चों? वेरी इजी। मैं एक CH3 S double bond O CH3, यहाँ पे भी S double bond O, यहाँ पे भी S double bond O, यहाँ पे भी S double bond, यहाँ पे F है, यहाँ पे CL है, यहाँ पे BR है, और सब जगह मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड का ऑर्डर बताओ। ब्रोमीन के ऊपर लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस में है, तो यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे यहां डबल बॉन्ड और यहां सिंगल बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। देखा जाए यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, फ्लोरीन ज्यादा इफेक्टिव है, 2p है तो ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग करेगा, अच्छी बैक बॉन्डिंग देगा, और बेंट रूल से भी हम लोग समझेंगे। तो या तो आप रेजोनेंस से समझ सकते हो, सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस ये है, ये क्लोरीन वाला बड़े साइज का पी ऑर्बिटल है, ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग और बेकार होगी। जैसे आपने बोरोन हैलाइड में देखा था 2p 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 3p सेम फंडा है, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो या तो सल्फर ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, इस हिसाब से देखें तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या रहेगी, रेजोनेंस के हिसाब से देखें तो बॉन्ड लेंथ इधर कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन जो हेलोजन है वो बहुत ज्यादा अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव ज्यादा पसंद नहीं करते, उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। सल्फर ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है वो ये ऑर्डर है, थिंक अबाउट इट, क्या डोमिनेटिंग फैक्टर है कि हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डोमिनेटिंग फैक्टर। फ्लोरीन है तो इसमें डेल पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, डेल पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा अट्रैक्शन करेगा इसके ऑर्बिटल को, तो ज्यादा अपने पास चिपका के रखेगा। तो यहां पर जितना ज्यादा फ्लोरीन ज्यादा डेल पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, क्लोरीन कम करेंगे, और ये तो डेल नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये तो कार्बन तो सल्फर को इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी खींचेंगे डेल पॉजिटिव क्रिएट करेंगे।
डेल पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपना इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, खींच के रखेगा तो हम बोलेंगे बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लेस बॉन्ड लेंथ वाला बनेगा ऑब्वियसली। ओके स्टूडेंट, काफी टाइम हो गया, लेट अस स्टॉप हियर। बॉन्ड एनर्जी वाले कुछ क्वेश्चन है अभी, वैसे आप कर पाओगे, दैट्स ऑल। कल हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। फोर्थ फैक्टर लोन पेयर वाला भी है, पर वो हम थर्ड फैक्टर तक हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की हम लोग बात करेंगे। लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, दो पड़ोसी एटम पे लोन पेयर रिपल्शन हो तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। We will see through examples और लास्ट में बॉन्ड एनर्जी का हल्का फुल्का सा कंपैरिजन। बाकी हमारा अब बस डाइपोल मोमेंट हम लोग पढ़ेंगे और वैन डर वाल्स फोर्सेस। कल हमारा केमिकल बॉन्डिंग ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा, एक्सेप्ट सम ऑक्सिलरी थिंग्स को तो पढ़ने के लिए हरदम रहेंगी, नो डाउट अबाउट इट। इसके अलावा मैं करवाता हूँ केमिकल बॉन्डिंग में बेंड टूल करवाता हूँ, एडवांस पीपीटी करवाता हूँ, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, बट जो ट्वेल्थ पास बच्चे हैं जो आईआईटी मेडिकल दे चुके हैं उनको ऐसे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज मिलेंगे। आईआईटी मेडिकल ने तो नहीं पूछा है इसलिए मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह में और कहीं ओट पटांग से थोड़े ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों को चमके नहीं बनाने हैं, एडवांस बीबीटी वाले क्वेश्चन होते हैं। cos theta is equal to minus 1 by i और cos theta is equal to minus under root i and i dash, इस तरह की चीजें को एडवांस बीबीटी में देखते हैं। एडवांस बीबीटी और बैंक रूल भी कराओ, ठीक है। यार अभी वो शैलेंद्र एक बार बता पाएगा आपको, और सभी की क्लास का मैसेज का नहीं आया क्या? आप लोगों को क्लास का मैसेज नहीं आया अभी तक? नो सर, अभी तक नहीं। तो ओके माइक पे शैलेंद्र एक बार, चलो मैं इंटीमेट कर दूंगा, नॉट ए प्रॉब्लम। सर गुड नाइट।